नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन द फैक्ट आई से। आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा। सीधा जानते हैं वहां के लोगों के विचार गुरुजी व डेरा सच्चा सौदा के बारे में। हेलो मैम। हेलो। आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? मैं मुझे 20 साल हो गए आज जुड़े हुए गुरुजी से, और हमें बहुत कुछ मिला यहाँ से। मतलब जो कुछ पाया बस यहीं से ही पाया हमने सब कुछ, और हमारा इन पे दृढ़ विश्वास है। जो लोग कह रहे हैं आजकल ये है, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आओ, खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, जो जो मानसब लगे कार्य हो रहे हैं, और आके देखो कि उनके क्या शिक्षा है। उनकी शिक्षा पर चलते हुए आज जैसे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, जो पुलवामा में शहीद हुए हैं लोग, उन मार्टियर्स को एक्चुअली ट्रू होमेज पे करने के लिए यहाँ पे आज कैंप लगा था। तो वैसे ही बहुत कार्य है, 134 वर्क्स चल रहे हैं, ह्यूमैनिटी वर्क्स चल रहे हैं यहाँ। तो मैं कहूँगी कि आओ यहाँ पे पार्टिसिपेट करो और देखो कि उनकी क्या शिक्षा है। उन जो टीवी पे दिखा रहे हैं एक्चुअली वहाँ मत जाओ और देखो कि यहाँ पे उनकी क्या शिक्षा है। आप एक खुद एक लड़की हैं, और जिस तरीके से मीडिया में दिखाया गया डेरा सच्चा सौदा की एक जो छवि दिखाई, तो आप उन सारी लड़कियों से जिनके मन में ना जाने डेरे को लेकर क्या क्या विचार है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो लाइक कह रहे हैं लड़कियों को ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पे आके बिल्कुल पूरी फ्रीडम मिली है, बिल्कुल सेफ फील करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि गुरुजी ने ये सभी के मन में सिखाया कि नहीं, अगर आपके कोई आपके समान है उनको भाई बहन के समान मानो, छोटे हैं बेटा बेटी के, अगर बड़े हैं तो माता पिता के समान मानो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब बिल्कुल सेफ फील करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आओ और देखो, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको क्या लगता है कि आज समाज को एक ऐसे संत जिन्होंने आप कह रहे हैं कि इतने मानवता भलाई के काम चलाए, उनकी कितनी ज़रूरत है? मतलब आप देख ही रहो कि आजकल क्या हाल हो रहा है ना, और आज हम जो कुछ भी ह्यूमैनिटी वर्क कर रहे हैं ना, तो सिर्फ गुरुजी की शिक्षा पर ही चल रहे हैं, उनकी शिक्षा पे चलते हुए ही सब वर्क कर रहे हैं। अगर सभी लोग उनसे जुड़े हैं ना, तो उनके जो वर्क्स हैं उनको फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सुधार होगा, मतलब टोटली चेंज हो जाएगा। जो ट्रू इंडिया चाहते हैं ना, वो मिलेगा हमें। मतलब मैं तो यही कहूँगी, अगर आप चाहते हो ना कि हमारा जो गुरुओं की धरती थी वापस वैसे ही बन जाए, तो हमारे गुरु जी को हमारे पास भेजो और उन्हें अपना काम करने दो। जो वर्क के लिए आए हैं, मिशन के लिए आए हैं, उन्हें उनका काम करने दो, और हम चाहते हैं कि वो आगे से आगे हो, उनके वर्क्स को स्प्रेड करो ताकि पूरा देश अच्छा बन जाए। थैंक यू। तो देखिए किस तरीके से आज की जो नौजवान है उनका भी ये मानना है कि 20-20 सालों से वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज तक कभी यहाँ पर ऐसा गलत होता नहीं देखा, वो यहाँ पर जितने सुरक्षित है शायद इतने अपने घरों पर भी नहीं है। तो ऐसी ही सच्ची घटनाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द फैक्ट टाइम। धन्यवाद।